बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद अपने तमाम नए और पुराने नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल अज़ीज़ यूके व्लॉग पर खुश आमदीद कहता हूँ। जी आया नो मोस्ट वेलकम। आप चाहे यूके में, यूरोप में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अरब ममालिक में या किसी भी खित्ते से आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। जो मेरे बहन भाई पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। नाज़रीन, हस्बे मामूल में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इसको आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा तो आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी। बेशुमार मेरे नाज़रीन हैं जो मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर सवाल करते हैं और वैसे भी मैसेंजर पर और दूसरे सोशल मीडिया पर सवाल करते हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देख लिया है तो जवाब ना में होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि पहले आप वीडियो देखें, फिर आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आपको पता होगा कि यूके गवर्नमेंट वीज़ा के रिलेटेड काफ़ी चेंजेस कर रही है और जो स्टूडेंट्स यहाँ दूसरे ममालिक से यूके में पढ़ने के लिए आए हुए हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं कि हम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें या इन इस वीज़ा के रूल्स पर तवज्जो दें। नाज़रीन, अगर इसी साल की बात कर लें तो फरवरी में भी चेंजेस हुए, मार्च में भी चेंजेस हो रहे हैं, अप्रैल में हो रहे हैं। अब माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दी है कि कौन कौन से चेंजेस वो चाहते हैं, कौन कौन सी चेंजेस गवर्नमेंट करे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में। बहुत सी जॉब्स हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अवेलेबल हैं, तो उनके अगर उनसे रिलेटेड कोई भी बंदा उन जॉब्स के लिए अप्लाई करे तो उसे सैलरी थ्रेशहोल्ड बहुत कम दिखाना पड़ता है। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें चेंजेस कौन से हुए हैं और कौन कौन सी जॉब्स हैं जो उससे निकाल दी गई हैं और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो उसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। अब ये भी तजवीज़ दे रहे हैं कि SOL जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसका नाम चेंज करके कुछ और रख दिया जाए। माई डियर व्यूज, आई मेक इट क्लियर वाई द गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दीज चेंजेस। एज यू नो द इज गोन बी इलेक्शन दिस ईयर इन 2024। जो यूके में आपकी गवर्नमेंट है टोरी पार्टी की, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब हम विन होकर आएंगे तो हम बहुत सख्त कानून बनाएंगे और इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब से इनकी गवर्नमेंट आई है इमिग्रेशन का नंबर है वो बहुत तेज़ी से इनक्रीज़ हो गया है और ये गवर्नमेंट इमिग्रेशन को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। तो अब इस नाकामी को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए या हंगामी बुनियादों पर इमिग्रेशन के रूल में चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि हम अपने वोटर्स को कैसे फेस करेंगे, कि वोटर्स पूछेंगे कि आपने पिछले 5 साल जो प्रॉमिस किया था वो आपने पूरा किया है, आप कहते थे कि हम इमिग्रेशन को कम करेंगे तो आपने कैसे कम किया। नाज़रीन, कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए ये अब सब कुछ कर रही है। नाज़रीन, जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने पब्लिश की है इनिशियल न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। नाज़रीन, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का नाम इन्होंने चेंज करके अब रख दिया है सैलरी लिस्ट। इन्होंने रिकमेंड किया है कि अभी भी जितने भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जितनी भी जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करके 21 जॉब्स सिर्फ रखें, लेकिन ये जो टोटल जॉब्स हैं ये सिर्फ 8% कैलकुलेट होती हैं। जो 92% जॉब्स हैं वो ISL लिस्ट में नहीं आती, जो सिर्फ 8% जॉब ISL लिस्ट में आती हैं अगर ये गवर्नमेंट इसको लागू कर देती है। ये बात जहनशीन कर लें नाज़रीन कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, ये अभी तक चेंजेस नहीं हुए। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम ये चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तो फिर सिर्फ 8% जॉब्स ISL लिस्ट में अपीयर होंगी। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जॉब्स बहुत ज़्यादा थी तो ISL में अब फिर जॉब बहुत कम हो जाएंगी। उनमें 3 जॉब्स ऐसी होंगी जो स्कॉटलैंड से रिलेटेड होंगी, अगर कोई स्कॉटलैंड में अप्लाई करेगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग 18 जॉब्स होंगी वो ऑल ओवर द यूके होंगी।
नाजरीन आपको पता होगा कि SOL में जो जॉब्स कैटेगराइज्ड नहीं होती, SOL होता है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। नाजरीन SOL क्या है कि UK में कुछ ऐसी जॉब सेक्टर्स हैं जिनमें जॉब करने के लिए यहाँ के लोकल लोग अवेलेबल नहीं होते या उसमें कोई काम करना नहीं चाहता, उन जॉब के रिलेटेड के यहाँ एम्प्लॉई यहाँ UK में मिलते नहीं हैं, तो उन्होंने उसको SOL लिस्ट में डाला हुआ है ताकि यहाँ का एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉई को फॉरेन कंट्री से बुलाना चाहे या वीज़ा देना चाहे तो वो आसानी से बुला सके। प्लस 20% सैलरी थ्रेशहोल्ड का रिबेट भी मिला हुआ है, तो वो होती है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी क्या कह रही है, जो उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है जो इनको रिकमेंडेशन देता है कि इमिग्रेशन में चेंजेस वगैरह, इमिग्रेशन के नंबर्स वगैरह रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये रिकमेंड किया कि SOL में जितनी जॉब हैं हम निकाल देते हैं और नया इंट्रोड्यूस करते हैं ISL। अब वो 21 जॉब्स ISL में रिकमेंड कर रहे हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको SOL शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का समझ आ गई होगी, और जो जॉब्स SOL में नहीं है, कोई और जॉब है जैसे स्किल्ड जॉब है, उसकी सैलरी थ्रेशहोल्ड 26,500 पाउंड थी, अब ये कह रहे हैं कि उसको बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर देंगे अप्रैल 2024 से। लेकिन जो जॉब्स SOL में थी उसका थ्रेशहोल्ड 20,000 पाउंड था, उसका ये कह रहे हैं कि हम अब अप्रैल में उसको बढ़ाकर 30,000 मिनिमम कर देंगे। अगर कोई जॉब ISL में होगी तो फिर भी उसकी मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड 30,000 कर देंगे, लेकिन एक शर्त उन्होंने उसमें ये कही है कि जो भी केयर वर्कर्स हैं या होम केयर वर्कर्स हैं इस फील्ड से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, ये जो सैलरी थ्रेशहोल्ड 30,000 कर देंगे, उनको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो 22 में रिक्रूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 23 में करना चाहते हैं तो 23 में कर सकते हैं, उनको उन शराइत से बाहर रखा गया है, क्योंकि इनको केयर होम के लिए वर्कफोर्स मिलते नहीं होगी, इसलिए ये चाहते हैं तो लोग बाहर से आए और इस फील्ड में काम करें। नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि ISL लिस्ट में कौन कौन सी जॉब रहने वाली हैं, जो 21 जॉब्स हैं। नाज़रीन जो ISL की लिस्ट है, नई लिस्ट, उसमें जो सबसे पहली जॉब रहने वाली है वो है लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, और इसकी सैलरी थ्रेशहोल्ड है 30,960 पाउंड। दूसरे नंबर पर है बोट एंड शिप बिल्डर्स एंड रिपेयरर्स, ये सिर्फ स्कॉटलैंड के लिए है, इसकी सैलरी थ्रेशहोल्ड है 34,100 पाउंड। नाजरीन तीसरे नंबर पर है ब्रिक लेयर्स एंड मेसन्स, इसकी भी सैलरी थ्रेशहोल्ड 30,960 पाउंड है। उसके बाद नंबर है कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग का, इसकी भी सैलरी थ्रेशहोल्ड 30,960 पाउंड है। नाजरीन कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बहुत सी जॉब्स हैं जो इस लिस्ट में रहने वाली हैं। उसके बाद केयर वर्कर्स और होम केयर वर्कर्स और प्राइवेट हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स, इसकी भी सैलरी थ्रेशहोल्ड 30,960 पाउंड है। नाजरीन अगर किसी का कोई प्राइवेट घर है उसमें भी आपको कोई बंदा केयर के लिए स्पॉन्सरशिप दे सकता है। नाजरीन इसके बाद बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, आर्टिस्ट के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं। इससे आगे लिस्ट में ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, कारपेंटर एंड डिज़ाइनर भी ISL लिस्ट में मौजूद हैं, फिशिंग एंड ऑल अदर एलिवेटरी भी इसमें शामिल है, मेडिकल के रिलेटेड जॉब्स, नर्सिंग के रिलेटेड जॉब्स। नाजरीन ये जितनी भी जॉब्स हैं ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ये रख रहे हैं। IT बिजनेस एनालिस्ट, अगर आप IT बिजनेस एनालिस्ट हैं आप घबराओ नहीं, आपको नहीं निकाला गया। आप अगर अब वेब डिज़ाइनर हैं तो आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो। अगर आप IT के रिलेटेड भी हो तो फिर भी जब ISL की नई लिस्ट बनेगी आप भी उसमें शामिल हो। वेब डिज़ाइनर्स भी हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। नाज़रीन ये सारी की सारी जॉब्स इन्होंने बताई हैं कि ये उनकी जो नई लिस्ट है ISL की उसमें ये सब जॉब्स रहने वाली हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं तो हमें UK स्टडी के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नाज़रीन वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस तो आएगी, ज़ाहरा नए नए रूल्स, नए नए रेगुलेशंस बनते हैं और इन तमाम चेंजेस को हमने फेस करना है। ज़ाहरा UK में लोगों ने पढ़ने के लिए भी आना है, काम के लिए भी आना है, तो ये दुनिया का निज़ाम रुकेगा तो नहीं न्यू चेंजेस आने से। ये तो कभी नहीं होगा कि आप इस साल नहीं आएंगे तो अगले साल ये रूल्स थोड़े से नरम हो जाएंगे। रूल्स तो ये चेंज करते रहेंगे और स्ट्रिक्ट रूल्स करते रहेंगे।
अगर इन्होंने सैलरी थ्रेशहोल्ड 30,000 का कर दिया है तो एम्प्लॉयर भी 30,000 आपको ऑफर करेंगे, क्योंकि जब उनको वर्कर यहाँ यूके में नहीं मिलेंगे तो फॉरनर कंट्री से तो उन्होंने मजबूरी में बुलाने ही होंगे, तो वो 30,000 भी आपको थ्रेशहोल्ड देंगे। ये कोई घबराने की या परेशान होने वाली बात नहीं है नाज़रीन। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं और कौन कौन सी जॉब्स इन्होंने निकाल दी हैं और कौन कौन सी जॉब्स रहने वाली हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आपको पता चले कि और मेंटली फिज़िकली बंदा तैयार होता है कि मैंने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो ये इसलिए मैंने सब इन्फॉर्मेशन आपको इतने शॉर्ट से टाइम में जितनी मुझसे बन पड़ा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर अभी तक आपने इन चेंजेस के रिलेटेड कोई तैयारी नहीं की, आपने कोई अपना फ्यूचर प्लान नहीं बनाया कि आप क्या कर सकते हो, तो आप ज़रूर प्लानिंग करें। इन चेंजेस से कोई दुनिया का निज़ाम रुकने वाला नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। जो कौमें प्लानिंग नहीं करती, जो लोग प्लानिंग नहीं करते, वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। नाज़रीन, मैं हमेशा नौजवानों को यही नसीहत करता हूँ कि कोई भी काम करें खलूस और इखलास के साथ, अल्लाह पर तवक्कल करके आप आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपकी ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद होना चाहिए, फजूलियात में अपने ज़िंदगी के कीमती लम्हात को ज़ाया मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाइए और अपना कोई एक गोल सेट कर लीजिए और दिन रात अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के खुशनुदी के लिए आप अपना वक्त गुजारें। अपना ज़िंदगी दुनिया में आने का अपना मकसद मत भूलें, इंशाअल्लाह आपको दुनिया में भी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी आप सरखरू होंगे। आखिर में मैं उन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंदीदगी का इज़हार करते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर अपनी अच्छी अच्छी राय से नवाजते हैं, तो हमें बड़ी हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बनाएं। आखिर में मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया तो वो बदनसीब इंसान है कि अगर वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। हमें चाहिए कि हमें रमज़ान मुबारक की कदर कीमत जानते हुए इसके पाबंदी के साथ इसके सारे रोज़े भी रखें, नमाज़ें भी पढ़ें और पाबंदी के साथ कुरान पाक की तलावत भी करें अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा खुशनुदी के लिए। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें शेयर करने की कोशिश की। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने गिर्द नवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी हर आने वाली मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी को दूर रखे। अल्लाह पाक आपको सुकून कल्ब अता फरमाए। अब अपने मेज़बान, अपने भाई मोहम्मद जायद को अज़ीज़ यूके व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आपको हामी और नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।